लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन के पक्ष में भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने नुक्कड़ सभा आयोजित की, जिसमें जनता से एक बार फिर मोदी सरकार लाने की अपील की गई। ये नुक्कड़ सभा मोतीराम अड्डा में आयोजित की गई थी, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हाथ उठा के आशीर्वाद और आगे जितना हमारे भैया लोग खड़ा हुआ बैठ जा, ताकि पीछे हमारे माता बहन लोग बैठे नहीं, वो लोग को भी दिखाई पड़े। हाँ भैया बैठ जा लोग, भैया जे आई वीडियो बनावा थोड़ा लोग बैठ जा, भैया बैठ के बनावा जो बनावा क्या। और हमके मुंबई गौरव के पुरस्कार दिहल जात रहे, वही मंच पे फिर से महाराज जी मिलना और कहना कि अब फिल्म में जो उन काम करे के रहे तो उन कह लहला लो, फिल्म में जितना तो हम के अन्याय से बुराई से लड़े के रहा और जितना जनता का सेवा करे के रहा बहुत अच्छा कहला लो, अब चला जनता का सेवा रियल में करे के है। बहुत कम समय में आप लोग यहाँ आए, 24 घंटे पहले कार्यक्रम बना है आपके माटी के सपूत दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का, हम स्वागत करते हैं। मित्रों, चूंकि विकास के बारे में सब लोग आप लोग जानते हैं, आज मेरा यही काम है कि हम दिनेश लाल यादव जी का इस माटी पर स्वागत पंद्रह अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के नुक्कड़ सभा के बाद उन्होंने हमारे सिटी वन संवाददाता से बात की और कहा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान के दिन घरों से निकलें और रवि किशन को विजयी बनाएं। साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी अपनी बातें रखी। 2019 का चुनाव चरण सीमा पे है, ऐसे में सारे पार्टियां अपना आखिरी दम दिखाना शुरू कर दिया है। लोकसभा सीट से रवि किशन के पक्ष में वोट मांगने आए निरहुआ, जो स्वयं आजमगढ़ के प्रत्याशी भी हैं। आइए जानते हैं कि इस बार 6 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, ऐसे में अब बीजेपी को आप कहां पाते हैं? देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और ये पूरा देश चाहता है, पूरा देश ये चाहता है कि हमें कमज़ोर सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसी मजबूत सरकार चाहिए जो मजबूती से हमारे देश को चलाए, देश को आगे बढ़ाए। जो हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए गठबंधन बना है, वो लोग निजी स्वार्थ में चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इस देश के हित में ही अपना सब कुछ लुटा करके, सब कुछ छोड़ करके और सिर्फ देश के हित में सोच रहे हैं, तो इस बात को पूरा देश समझ रहा है। इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग, निश्चित रूप से 23 तारीख को पूरा देश ये जान जाएगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि फिर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। निरहुआ जी, जनता बोल रही है कि गोरक्षनाथ नगरी में रवि किशन के नाम पे बम बम बोल रहा है, सेम इसी तरह आजमगढ़ में आपने अखिलेश यादव का पसीना छुड़ा दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए क्या है, जब आप सच के साथ रहेंगे, आप धर्म के साथ रहेंगे तो आप हमेशा विजयी होंगे। और जो लोग झूठ के साथ होते हैं, फरेब के साथ होते हैं, जो लालच में होते हैं, लोभ में होते हैं, वो कितने भी बड़े नेता हों, वो कितने भी बड़े आदमी हों, उनको परेशान होना पड़ेगा और उनको हारना पड़ेगा। और यही बात मैं कहता हूँ, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अमेठी हो, चाहे गोरखपुर हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए काम किया है, पूरे हमारे देश के लिए किया है, चाहे जवानों के लिए, चाहे किसानों के लिए, आप कहीं जाइए घर घर में काम उनका दिखता है। आज किसानों के सीधे खाते में पैसा आता है, मतलब इस तरह की योजनाएं पहले बहुत बनती थी लेकिन वो उन तक पहुंचती नहीं थी, ये बात सभी लोग समझ रहे हैं, इसलिए सब चाह रहे हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी जी आए। क्या लगता है गोरखपुर सदर सीट से आप लोग कितने भारी मात्रा में जो है ये जनता तय करेगी? देखिए, जीत तो अवश्य होगी पर ये तय जनता करेगी कि वो कितने मार्जिन से जिता रही है। निरहुआ जी का साफ कहना था कि जनता ये तय करेगी, आने वाले समय में जनता ये तय करेगी कि किस तरह से मोदी सरकार आएगी। रुपेश कुमार, सिटी वन।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। मेरा नाम रोहन बोत्रे है, मैं स्टीव पेन गोरखपुर, मैं अरविंद कुमार, मैं रविंद कुमार सिंह, मैं वीपी सर, मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, मैं विपुल कुमार श्रीवास्तव, मैं आदित्य प्रकाश वर्मा, मैं अशोक कुमार वर्मा है और इसी से देश बनता है। मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, बिना डरे बिना डरे मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें, बिना डरे बिना थके मतदान करें, मतदान करें। जय हिंद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोल घर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर।